विश्वास के साथ कह सकते हो कि ईश्वर फंस गया, मैं भी मरता क्या ना करता, पलट के जवाब दिया। मैंने पूछा जहर खाने से क्या होता है, बोला मृत्यु। तो मैंने कहा तुमको कैसे पता, कभी अनुभव किया है? बोला नहीं, हमने तो अनुभव नहीं किया। उनका पता कैसे? बोला जिसने खाई उसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर्स कहते हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। मैंने कहा जो मर गया उस पर विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उस पर विश्वास कर सकते हो, तो वेद पुराण ग्रंथ अपने अंदर न जाने कितने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, उन पे भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कोई तो है जिन्होंने अनुभव किया है। हमने आपने नहीं किया, लेकिन कोई तो है जिसने ऑलरेडी अनुभव किया है। क्या ये संभव है? लोग सर्विस करना चाहते हैं, लोग सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता। एक आदमी एक बिजनेसमैन है, वो सेवा करना चाहता है, वो क्या करें। एक आदमी नौकरी में, उसका मन है मैं सर्विस करूं लोगों की, लेकिन वो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है जहां पर आप सर्विस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, आप ही के देश में लोग 5000 रुपए की नौकरी करने को मजबूर हैं। सर बहुत जरूरी है दोस्त। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता, जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना, तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। मां बोल के चली गई, मां बोल के चली गई। और बेटा बोला ममा आई गॉट माय आंसर, आई गॉट माय आंसर। 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूं, तुम सात समुंदर पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था, मैं आखिरकार हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। रावण का जवाब सुनिए, बोले यही सिखाना चाहता, तुम चरित्रवान मैं चरित्रहीन, बस। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, ये अप्रत्याशित है, ये अप्रत्याशित है, आपके साथ कभी भी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो तो ये समझ लेना कि हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार, चौधरी होने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल पे आउट एक महीने का 5 लाख आ जाए, 6-8 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, तो चौधरी मत होना। बस इतना समझ लेना कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। ग्रेटिट्यूड बोलता हूं और हमेशा थैंकफुल रहना उन लोगों के लिए जिनके साथ आप पड़े हुए होते हैं, जिनके साथ आपने बिजनेस बिल्ड किया है, जिससे सीखा है, जिससे सीखा है। देखो गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने कुछ भी सिखाया हो आपको जीवन के, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकफुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला लेसन सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल नेवर इन योर लाइफ कंपेयर yourself, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है
ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में एक? ला सकते हो? क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे ऐसा ढूंढना ही मुश्किल है। प्लीज नेवर इन योर लाइफ। माँ बाप कह रहे ना बच्चे को, उसकी तरह बन, उसके मैथ्स में नंबर देखे हैं तुम, कितना अच्छा हारमोनियम बजाती है देख। माँ बाप बच्चे को प्रोडक्ट बना रहे हैं, विटामिन डी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, B1 भी होना चाहिए, बैप के पैर भी छुए, क्रिकेट भी खेले, संगीत भी। अब क्या चाहते हो? नहीं सर, यू हैव टू बी हैप्पी 24/7, 24 घंटे 7 के 7 दिन मुस्कुराते हुए होने चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई उठा दे तो खिलखिला के बोले, और भाई आज रात को 2 बजे कैसे है? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस हो जाएगा यार। ये पहला सूत्र है, बड़ा साधारण सूत्र है लेकिन पहला सूत्र है। मुस्कुराते रहिए यार। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये चीज बहुत आयत में होती है, इतनी तालियां बजाते हैं लोग, इतने एक्साइटमेंट होते हैं कि बाहर का आदमी अगर अंदर आ जाए तो बोले साले बावड़े हैं क्या ये है? अभी कुछ हुआ नहीं, किसी ने गाड़ी नहीं ली, मर्सिडीज नहीं ली, कुछ हुआ नहीं, अभी क्यों चोर मचा रहे हैं, अभी क्यों हल्ला मचा रहे हैं? उसको क्या पता कि ये काम ही जुनून के लोगों का है यार, शोर मचाने का है, धंधा बनाने का है। तो प्रसन्न मन होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं आज के बाद, इस बात को ध्यान रखिए। और मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी बात बताना चाहता हूं उसके बाद। कहते हैं हाउ टॉल इज अ ट्री ग्रो, एक पेड़ कितना ऊंचा जा सकता है? तो आंसर आता है जितना ऊंचा जाता है उतना ऊंचा जा सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि पेड़ अगर 20 फीट तक जा सकता है और 10 फीट पर रुक जाए, नहीं होता। वो जितना जा सकता है उतना पहुंचता है, उसकी जड़ें जितनी गहरी हो सकती हैं उतनी जड़ें उतनी गहरी कर लेता है, उसकी शाखाएं जितनी फैल सकती हैं उतनी शाखाएं वो अपनी फैला सकता है। तो हम लोग तो ट्री से अच्छे ही हैं यार, हम जितना हो सकते हैं आज प्रण करते हैं उतना होने का यार, जितना मैक्सिमम अपने आप को खींच सकते हैं। और मैं बता दूं, हम और आप अपने पोटेंशियल का 5% से ऊपर इस्तेमाल करते नहीं है यार, नोबडी नोटी मना है ना, वो आईफोन की तरह है हम लोग यार, 5% एप्लीकेशन आती होंगे हमको, लेकिन अगर सारी की सारी एप्लीकेशन रन करना आ जाए तो खेल बड़ा खतरनाक हो जाएगा यार। पैसे की कोई कीमत नहीं है इस बिजनेस में, कोई कमी नहीं है। और मैं कहता हूं यू हैव अ चॉइस टुडे। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फक्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फक्र करिए, बाइक है तो उस पर फक्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। कंपैरिजन पुट्स द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आपका फोकस गलत आदमी पे होता है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं है, उसकी हरकतों पे कंट्रोल नहीं है। गलत जगह फोकस हो गया। फोकस कहां होना चाहिए था? अपने पे। वो कहां गया? अंदर ही अंदर जला रहा है। कभी मत करना सर।